समाजवादी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर आरोप, कहा मेरी हत्या की हो रही है साजिश। मौर्य बोले दलित पिछड़ों और महिलाओं की बात करने की मिल रही है सजा, हो रही है साजिश। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी और समर्थकों को ललकारा, कहा मैं पीछे नहीं हटूंगा। कल लखनऊ में हुआ था स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला, राजू दास और परमहंस पर लगे थे आरोप। स्वामी प्रसाद के समर्थकों ने भी राजू दास पर किया पलटवार, होटल में हो गई थी हाथापाई। छतरपुर में बाबा बागेश्वर दरबार में महिला श्रद्धालु की मौत, हाजिरी लगाने आई थी महिला। यूपी के फिरोजाबाद की रहने वाली थी महिला, बीमारी का इलाज करवाने आई थी बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दावा, हिंदू राष्ट्र को लेकर संसद में कुछ होने वाला है, सनातन बोर्ड का समर्थन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी गए थे बागेश्वर धाम, धार्मिक महाकुंभ में लिया हिस्सा, मंच से गाए गीत। प्रज्ञा ठाकुर के सनातन बोर्ड की मांग पर कांग्रेस का पलटवार, पीसी शर्मा बोले पहले डॉक्टर्स की मांग पूरी करे शिवराज सरकार। झारखंड के पलामू में हिंसा के बाद धारा 144 लागू, इलाके में तनावपूर्ण शांति। पलामू में तोरण द्वार बनाने को लेकर हुआ था विवाद, आईजी बोले अब काबू में है हालात। पलामू हिंसा पर बोले ओवैसी, कहा जीते दंगाई हारी सरकार। पलामू हिंसा पर बीजेपी विधायक ने सरकार पर लगाया आरोप, पूछा किसकी देखरेख में लाए गए थे पत्थर। पलामू में एहतियातन रोकी गई इंटरनेट सेवा, कलेक्टर ने कहा उपद्रवियों को छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोरेन सरकार से पूछे सवाल, देवघर में नहीं तो कहां निकलेगी शिव बारात। निशिकांत ने देवघर जिला प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा शिव बारात रुकवाना चाहता है प्रशासन। देवघर में शिव बारात को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल है अर्जी, कोर्ट के फैसले का इंतजार। राहुल गांधी लोकसभा सचिवालय को भेज चुके हैं जवाब, पीएम पर की गई टिप्पणी को बताया सही। लोकसभा में राहुल गांधी ने अडानी मुद्दे पर की थी टिप्पणी, पीएम से पूछे थे कई सवाल। त्रिपुरा की सभी 60 सीटों के लिए सुबह से मतदान जारी, पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी कतार। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने अगरतला में डाला वोट, लोगों से वोटिंग करने की अपील की। पीएम की त्रिपुरा के वोटर से अपील, बढ़ चढ़कर डालें वोट। त्रिपुरा इस बार बीजेपी के लिए फ्रंट, लेफ्ट कांग्रेस और टीएमसी से टक्कर। त्रिपुरा के कांकरपारा में चुनावी हिंसा, बीजेपी समर्थकों ने वामपंथियों पर किया हमला, कई घायल। इमरान खान पर पाकिस्तान के गृहमंत्री का बड़ा आरोप, कहा कोकीन लेते हैं इमरान खान। मंत्री ने कहा इमरान कराएं टेस्ट, अगर पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई तो दे दूंगा इस्तीफा। पाकिस्तान में फिर बड़ी राजनीतिक उथल पुथल की आशंका, इमरान खान के घर इकट्ठा हुए हजारों समर्थक। शहबाज सरकार के खिलाफ इमरान समर्थकों ने खोला मोर्चा, बताया कठपुतली सरकार। इमरान का बयान कैंसर जैसी है पाकिस्तानी सरकार, डिस्प्रिन से कर रहे हैं इलाज। राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, आदिवासी संस्कृति की दिखेगी झलक। पीएम मोदी ने पंडाल का किया निरीक्षण, आदिवासी कल्चर को करीब से देखा। आदिवासी महोत्सव में 16 राज्यों के 1000 से ज्यादा ट्राइब्स शामिल, 27 फरवरी तक चलेगा कार्यक्रम। महोत्सव में हैंडीक्राफ्ट की लगी है प्रदर्शनी, फूड कोर्ट में परोसे जा रहे हैं आदिवासी व्यंजन। फूड कोर्ट में मिलेंगे मिलेट से बने कई व्यंजन, 2023 को मिलेगा यह मिलेट ईयर के तौर पर मना रहा है भारत। कानपुर देहात में हुई घटना पर मुख्यमंत्री के आदेश पर गठित की गई एसआईटी, एक हफ्ते में देनी है रिपोर्ट। आज सीएम योगी से मिल सकता है पीड़ित परिवार, बेटे को सरकारी नौकरी और पिता को आजीवन पेंशन और राशन कार्ड दिए जाने का भरोसा। कानपुर देहात में जलकर मरी मां बेटी का किया गया दाह संस्कार, पुलिस का कड़ा पहरा। कानपुर में मां बेटी की मौत को लेकर कांग्रेस का लखनऊ में प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कानपुर कान पर बोले ओवैसी, कहा बीजेपी सिर्फ तोड़ना जानती है जोड़ना नहीं। प्रयागराज में अग्निकांड के खिलाफ कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन, बुलडोजर के पोस्टर को जलाने की कोशिश, पुलिस से झड़प। पुणे में किसान ने गोभी की फसल पर चलाया ट्रैक्टर, बाजार में सही कीमत नहीं मिलने से हताश। फसल की लागत भी नहीं मिल पाने से निराश है किसान, बाजार में 3 रुपए किलो भी नहीं मिल रहे खरीदार। ज्योतिर्लिंग को लेकर 2 राज्यों में छिड़ी जंग, विज्ञापन देकर असम सरकार ने ठोका दावा, महाराष्ट्र का जवाब ना फैलाएं धार्मिक द्वेष। छठे ज्योतिर्लिंग को असम सरकार ने अपना बताया, शिवसेना एनसीपी बोली पहले हमारे प्रोजेक्ट कर्नाटक को दिए, अब भगवान छीन रही है बीजेपी। कर्नाटक कांग्रेस के नेताजी परमेश्वर ने सीएम पद का किया दावा, पिछली बार मिला था डिप्टी सीएम पद।
तमिलनाडु की कृष्णागिरी में सेना के जवान की पीट पीट कर हत्या, डीएमके कार्यकर्ताओं पर आरोप। असम को सोनितपुर में रेप के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कई दिन से था फरार। बिहार के खगड़िया में बारातियों से भरी वैन गड्ढे में गिरी, तीन लोगों की मौत। दिल्ली के सराय काले खां में चला बुलडोजर, रैन बसेरों और झुग्गियों को ढाया गया। आप लीगल सेल ने दिल्ली के एलजी के खिलाफ निकाला मार्च, का एलजी साहब संविधान से चलिए। पुणे में आईटी के सर्वे के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मौन धरना, मुंह पर काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। जमशेदपुर में मंडी टैक्स के विरोध में ओट बाजार बंद, व्यवसायियों ने सरकार से तुरंत इस निर्णय को वापस लेने की रखी मांग। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयुष विश्वविद्यालय की ओपीडी का किया शुभारंभ, रोगियों को मुफ्त दी जाएगी जरूरी दवाएं। एमपी के सागर में कांग्रेस नेता ने कलेक्टर से की बदसलूकी, ऑफिसर को कहे अपशब्द। कड़ी सुरक्षा के बीच यूपी में बोर्ड परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हुआ पहली पारी का एग्जाम। अमरावती में आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने टूरिस्ट पुलिस स्टेशन का किया उद्घाटन, कहा अतिरिक्त पुलिस थानों के रूप में करेंगे काम। हरिद्वार में लेखपाल पटवारी पेपर लीक मामले में दो और गिरफ्तारी, अब तक इस मामले में हो चुकी हैं 15 गिरफ्तारियां। मानसा में बनाए मोहल्ला क्लिनिक में खुल रही है पोल, काम पूरा ना होने की वजह से चेकअप करने आ रही मुश्किल। कन्नौज में चलती स्कूल बस में आग से हड़कंप, सभी बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। नोएडा इकोटेक इलाके में केमिकल फैक्ट्री में आग, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर जाकर आग पर पाया काबू। इंदौर बाईपास पर चलते ट्रक में लगी आग, ड्राइवर और खलासी ने कूद कर बचाई जान। हैदराबाद के गोडाउन में आग से भारी नुकसान, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। चंद्रपुर से गोरखपुर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन में धुआं निकलने से हड़कंप, डिब्बे से नीचे उतरे यात्री। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में झड़प, कुछ दिन पहले नक्सलियों ने की थी बीजेपी नेता की हत्या। ओडिशा संबलपुर में बीजेपी ने जय नारायण मिश्रा ने महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी की, हाथापाई का आरोप। यूपी के मैनपुरी में साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़, 11 छात्र गिरफ्तार। इसरो की सैटेलाइट बनाने में शामिल लड़कियों का अंबाला में जमकर हुआ स्वागत, मंत्री अनिल विजन ने दी शुभकामनाएं। गुलमर्ग बर्फ की चादर से हुआ गुलजार, गुलमर्ग स्की रिजॉर्ट में पहुंचे पर्यटक। रांची में किसानों का वैकल्पिक खेती की ओर बढ़ा रुझान, युवक ने गुलाब की खेती में कमाए लाखों रुपए। मुंबई में एक इंजीनियर ने बनाया अद्भुत QR कोड, इस तकनीक से आवारा कुत्तों को किया जा सकेगा टैग। उत्तर 24 परगना में एक्टर कार्तिक आर्यन ने किया अपनी फिल्म शहजादा का प्रमोशन, कॉलेज छात्रों ने कार्तिक के सामने किया फिल्मी गानों पर डांस। दिल्ली में निकी यादव हत्याकांड में आरोपी साहिल को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया, गर्लफ्रेंड का कार में घड़ा घोटकर फ्रिज में डाली थी लाश। आरोपी साहिल निकी की लाश को लेकर 35 किलोमीटर तक घूमता रहा, कार में शादी को लेकर हुआ था झगड़ा। मुंबई में 11 पार्टनर को मारकर प्रेमी ने बेड में छिपाई बॉडी, हत्या के बाद फर्नीचर बेचा, मुंबई से राजस्थान भागते समय आरोपी गिरफ्तार। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की विधायकी रद्द, स्वार सीट हुई खाली, 6 महीने में होगा उपचुनाव। जम्मू में तनख्वाह के लिए विस्थापित कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, बैनर पोस्टर के साथ प्रशासन के खिलाफ लगाए नारे। अहमदाबाद में 18 साल के आईआईटी छात्र ने आत्महत्या की, परिजनों का आरोप, जाति के आधार पर परेशान किया गया था। फतेहपुर में ठगी के शिकार लोगों का प्रदर्शन, सरकार से पैसा वापस कराने की मांग। अजमेर के किशनगढ़ में थानाधिकारी से मारपीट करने वाला जैसलमेर एसपी का बेटा प्रवीण गिरफ्तार, नशे में था युवक। इटावा में स्कूल वैन और कार में टक्कर, 9 बच्चों समेत ड्राइवर घायल। रायबरेली में 12 साल के बच्चे की हत्या का खुलासा, मृतक की बहन ने प्रेमी संग भाई को उतारा मौत के घाट। दरभंगा में पुलिस के खिलाफ 1 महीने से चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में खुद पहुंचे दरभंगा एसएसपी,
दोषी पुलिस वालों को हटाने पर अड़े आंदोलनकारी। सहारनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ में चार अभियुक्त को किया गिरफ्तार, एक को पैर में लगी गोली। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, इनामी बदमाश ढेर। दिल्ली के नांगलोई रोडरेज मामले पर विरोध प्रदर्शन, पुलिस स्टेशन के सामने लोगों ने जमकर विरोध किया। बागपत में 40,000 रुपए मांगने पर दबंगों ने की वाइन शॉप सेल्समैन से मारपीट, कनपट्टी पर पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी। इंदौर के बैंक मैनेजर से धोखाधड़ी का मामला, सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस कर रही है बारीकी से जांच। सूरत में धार्मिक यात्रा करवाने के नाम पर बीजेपी महिला कार्यकर्ता, उसके बेटे ने बुजुर्ग के साथ की धोखाधड़ी, 3 पुलिस थानों में मामला दर्ज। तमिलनाडु के करूर में दोस्त को बचाने के प्रयास में 3 छात्राएं डूबी, 3 की हुई मौत। इंदौर में युवती इंस्टाग्राम पर दोस्ती और प्यार के चक्कर में धोखाधड़ी का हुई शिकार, दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज। महाराजगंज में 2 पट्टीदारों के आपसी विवाद में चली गोली, घायलों का चल रहा है इलाज। सवाईमाधोपुर में एक पुलिसकर्मी सहित 3 लोगों पर धारदार हथियार से हमला, जांच में जुटी पुलिस। कोलकाता में फर्जी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार, लोगों से अवैध तरीके से लूटता था पैसे। आगरा में G20 सजावट में गमले चुरा गए लोग, मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश जारी।